हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। भाई कोई भी दो करंट कैरिंग वायर हैं और वो दोनों करंट कैरिंग वायर जब एक दूसरे के पैरेलली अरेंज कर दिए जाते हैं तो उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। एक्चुअली उन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो एक दूसरे की वजह से ही लगता है। तो हम यहाँ पे टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर कंसिडर करेंगे और हम उनकी लेंथ को कंसिडर करेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीनिंग है कि उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। लॉन्ग करंट कैरिंग वायर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई उन पे मैग्नेटिक फोर्स कैसे होगा, क्या होगा, कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, वो सब हमें कैलकुलेट करना है। ओके तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं करंट कैरिंग वायर कंसिडर करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, ये दूसरा करंट कैरिंग वायर है एंड दिस करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट I1 एंड दिस करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट I2 एंड दिस वायर ऑल्सो हैविंग ए वेरी लॉन्ग लेंथ एंड मीन्स वी कैन से दैट बोथ आर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ओके एंड दिस इज वायर नंबर फर्स्ट, दिस इज वायर नंबर सेकेंड। तो ये जो दोनों करंट कैरिंग वायर हैं ये दोनों एक दूसरे पे भाई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, ये समझते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करता हूँ। ओके ये जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट कंसिडर किया। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेकंड वायर का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड तो भाई जीरो रहेगा, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये सेकंड वायर की एक्सिस पे पॉइंट है। भाई कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है, उस करंट कैरिंग वायर की एक्सिस पे अगर मैं पॉइंट ले लेता हूं तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है खुद की वजह से। भाई कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसकी ओवन एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड अपनी वजह से क्या रहता है, जीरो। तो यहां इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो रहेगा, बट यहां जो ये फर्स्ट करंट कैरिंग वायर है उस फर्स्ट करंट कैरिंग वायर की वजह से तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। तो इसका मतलब जो सेकंड वायर है वो सेकंड वायर अपना फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है, यानी जो सेकंड वायर है वो फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। इज इट ओके? अब इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट वायर पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, देन अगेन सेम थिंग, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पे इस फर्स्ट वायर का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बट यहां इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, सेकंड वायर का। तो यहां पे मैं लिखूंगा B2। इट मीन्स ये है कि जो सेकंड वायर है वो फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है और जो फर्स्ट वायर है वो सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है। इस तरह से दोनों करंट कैरिंग वायर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज हो चुके हैं और इसलिए इन पे लगने वाला है मैग्नेटिक फोर्स। अभी जो दोनों वायर हैं, इन दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को चलो जी मैं स्मॉल डी कंसिडर करता हूँ कि ये दोनों वायर हैं एक दूसरे से स्मॉल डी सेपरेशन पे सेपरेट है। ठीक है, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि इन पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मीन्स किस तरह से इन पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में अरेंज होगा, क्या होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है डायरेक्शन का। तो देखो बेटा, अगर मुझे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करना है तो पहले मुझे इन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पता करने होंगे। ठीक है, यानी कि जैसे ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है तो इस B1 मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। भाई ये जो अपना फर्स्ट करंट कैरिंग वायर है इसका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो राइट हैंड थंब रूल यूज कर दो। राइट हैंड थंब रूल किस पे लगाना है, फर्स्ट वायर पे। तो फर्स्ट वायर पे थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, तो फिंगर्स किस तरह से रोल आउट हो रही है, मतलब जहां मेरा पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है क्रॉस, यानी कि जो फर्स्ट वायर है इस फर्स्ट वायर का यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस में रहेगा, यानी नॉर्मली इनवर्ड रहेगा। वहीं पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसका है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है सेकंड वायर का, तो सेकंड वायर पे राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। देन अगेन भाई अपना थंब करंट की डायरेक्शन में रखना है, फिंगर्स को रोल करते हैं तो फिंगर क्या आ रही है, आउटवर्ड, मतलब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा है, डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोस्तों सिंपल सा है,
कि जो सेकंड वायर है वो सेकंड वायर क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज हो चुका है और जो फर्स्ट वायर है वो डॉट वाले मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज हो चुका है। अब आपको करंट की डायरेक्शन मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मालूम है एंड साफ साफ नज़र आ रहा है कि थीटा 90 डिग्री रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज नॉर्मली इनवर्ड टू प्लेन और करंट डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। तो जो करंट का डायरेक्शन है वही लेंथ का डायरेक्शन होता है, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री रहने वाला है। तो अगर मैं बता करूँ मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, वही अपना राइट हैंड पाम रूल आपको यूज करना है। तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग फिंगर्स को हम किधर अरेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो फिंगर्स को मैंने अरेंज किया क्रॉस के अकॉर्डिंग। थंब अपना किधर रहना है, करंट के डायरेक्शन में, तो दोनों अरेंज हो चुके हैं। अब देखिए जो अपनी पाम है उससे पुश किधर होगा, पुश होगा इस साइड। तो मतलब ये जो मेरा वायर है सेकंड वायर, इस सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगना है, इज इट ओके। तो इसको मैंने लिखा F21। F21 का मतलब है कि ये सेकंड वायर पे फोर्स है और फर्स्ट की वजह से, ये फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे उस वजह से है। अब अगर मैं पता करता हूं कि फर्स्ट वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अगेन राइट हैंड पाम रूल यूज कर दो जी। तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट के अकॉर्डिंग फिंगर्स को आउटवर्ड रखना है, थंब अपना करंट की डायरेक्शन में रखना है, दोनों अरेंज हो चुके हैं, किधर होना है फोर्स, इस साइड, यानी इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगना है वो इस साइड लगना है। इसको मैं लिखता हूं F21, इज इट ओके। तो देखो इसको मैंने F21 लिखा, और मतलब जो पहले सेकंड वायर पे हम मैग्नेटिक फोर्स पता कर रहे थे वो F21 था, और अभी हमने फर्स्ट वायर पे कैलकुलेट किया तो ये क्या होगा F12, मैंने इसको 21 लिख दिया, ये F12 होगा। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें, ठीक है, F21 नहीं होगा ये F12 होगा, ठीक है। तो इसको लिखना है F12, इज इट ओके। यानी ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड। तो ये आप देख रहे हैं दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जब हमने पता की, तो ये लग रहा है कि भाई ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही वो प्यारा क्वेश्चन है दैट व्हेन एवर टू करंट कैरिंग वायर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर सच दैट करंट फ्लो इन बोथ वायर इज इन सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी का, ऐसे भी क्वेश्चन आ गया टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नॉलेज में रखें। अब इसका अपोजिट, अगर मान लीजिए ये जो वायर है, ये जो वायर थे अपने, अगर इन वायर्स में जो करंट है अगर वो करंट अपोजिट होता है, जैसे मतलब एक में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो रहा है, दूसरे में करंट डाउनवर्ड फ्लो रहा है, तो इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ फाइंड आउट किए। दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं कि जब भी दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर एक दूसरे में उन दोनों में एक दूसरे के अपोजिट करंट फ्लो होता है तो वो रिपेल करते हैं, और अगर दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है तो वो हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो बात हो गई अपनी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शंस की। अब हम मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करते हैं चलो फटाफट से, कि जैसे अपना फर्स्ट वायर है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, उसकी हम बात करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर हैं, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे इनका जो कुछ लेंथ है वो कुछ लेंथ मैं फिक्स कर लेता हूँ, से दैट मैंने यहाँ पे इसका कुछ लेंथ मैंने कंसिडर किया, ये इसका लेंथ मैं कंसिडर कर रहा हूँ DL। तो ये जो DL लेंथ मैंने कंसिडर किया, इस DL लेंथ पे कितना मैग्नेटिक फोर्स है वो मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसको मैं लिखता हूँ DF21 मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकेंड वायर एलिमेंट ड्यू टू फर्स्ट वायर DF21। फॉर्मूला तो अपना वही है ILB sin theta। तो ILB sin theta मीन्स सेकेंड वायर में करंट कितना है I2, लेंथ क्या है DL, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है B1, साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है तो भाई साइन 90 लिख दो, कहाँ दिक्कत है, साइन 91 हो जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स आपका रहेगा I2 DL B1। अब बेटा जी आपको वैल्यू पुटअप करना है B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसका, फर्स्ट वायर का। तो भाई ये जो फर्स्ट वायर है, फर्स्ट जो करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ इनफाइनाइट है, तो ये इस करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लेंथ वाले करंट कैरिंग वायर से d डिस्टेंस पे जो कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये एप्लीकेशन है भाई, एम्पियर सर्किट लोगों का एप्लीकेशन भी है, बायो सावर्ट लोगों का एप्लीकेशन भी है, तो अलग टॉपिक है ना, कि कोई भी एक इनफाइनाइट लेंथ वाला करंट कैरिंग वायर होता है उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर।
तो R यहां पे अपन D एज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो B1 आपका रहेगा, B1 रहेगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D, ये वैल्यू आपको पुट अप करना है, तो आपके सामने रिजल्ट होगा DF21 इज इक्वल्स टू I2 DL म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D, तो ये रिजल्ट है म्यू नॉट I1 I2 DL अपॉन 2 पाई डी। ये मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट हो चुका है डीएल लेंथ के लिए, जो सेकंड वायर है, सेकंड वायर का जो डीएल लेंथ था उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स आ चुका है म्यू नॉट आई वन आई टू डीएल अपॉन 2 पाई डी, ऐसा यूनिट क्या रहेगा न्यूटन। एंड इफ आई टॉक अबाउट यूनिट लेंथ, कि अगर मुझे पता करना हो कि सेकंड वायर की यूनिट लेंथ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, अगर यूनिट लेंथ पे आपको मैग्नेटिक फोर्स भाई कैलकुलेट करना है तो लेंथ से डिवाइड कर दो। तो आपने डीएल लेंथ पे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया, यूनिट लेंथ के लिए डीएल से डिवाइड करो, सो डीएफ21 डिवाइड बाय डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई1 आई2 अपॉन 2 पाई डी, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, जो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर। तो ये यहाँ हमने कैलकुलेट किया कि जो अपना सेकंड वायर था, सेकंड करंट कैरिंग वायर, उसकी यूनिट लेंथ पे जो मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, डायरेक्शन हम ऑलरेडी इसकी समझ ही चुके हैं। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट वायर पे, सेकंड वायर पे हमने कैलकुलेट किया यूनिट लेंथ के लिए, तो सेकंड वायर का जो यूनिट लेंथ है उसमें मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट हो चुका है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। अब हम फर्स्ट वायर का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो फर्स्ट वायर है उसकी भी हम यूनिट लेंथ पे ही मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं इसके लिए भी, एक बार मैं रफ कर लेता हूँ थोड़ा, ये देखिए। तो अब जो अपना ये फर्स्ट वायर है इसका भी देखिए, हमें वही डी एल लेंथ यहाँ पे कंसिडर करना है, ये फर्स्ट वायर है अपना, इसकी भी जैसे मैंने यहाँ पे डी एल लेंथ कंसिडर की है, ठीक है, डीएल लेंथ, इस पर भी मुझे डीएल लेंथ पे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, तो वहीं से स्टार्टिंग करते हैं अपन। डीएफ वन टू मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड, तो वही अपना फॉर्मूला है आई एल बी साइन थीटा, बट फर्स्ट वायर का करंट क्या है आई वन, लेंथ क्या है डीएल, मैग्नेटिक फील्ड बी टू रहेगा क्योंकि फर्स्ट वायर तो सेकेंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है साइन थीटा, एंड थीटा इज अगेन 90 डिग्री, सो साइन 91, सो दिस इज I1 DL B2। Now what is the value of B2? B2 is the magnetic field intensity due to second wire। अब देखिए वही है, second wire भी अपना infinite length वाला है, तो इस second wire से भी हमें d distance पे magnetic field चाहिए क्योंकि first wire d distance पे, तो magnetic field again आपको वही value put up करना है, magnetic field B2 is equals to mu node I2 upon 2 pi d। ओके, सो आवर नेक्स्ट रिजल्ट इज डी एफ वन टू इज इक्वल्स टू आई वन डी एल म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई डी, और ये अपना रिजल्ट है म्यू नॉट आई वन आई टू डी एल अपॉन टू पाई डी। नाउ अगेन मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, देखो ये जो मैग्नेटिक फोर्स हमने कैलकुलेट किया डी एल लेंथ के लिए कैलकुलेट किया, यूनिट लेंथ पे क्या होगा, सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, सो फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड बाई डी एल, डी एल से डिवाइड करेंगे, सो अगेन अपना रिजल्ट है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, ये अपना कंक्लूजन था। और इससे पहले हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किया था वो था डी एफ टू वन अपॉन डी एल, वो था अपना म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी। अब देखिए यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो क्या है, कि ये जो दोनों ही वायर हैं, हमने सेकंड वायर की यूनिट लेंथ पे भी मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया है, हमने फर्स्ट वायर की यूनिट लेंथ पे भी मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया है, और हम देख रहे हैं कि दोनों की ही यूनिट लेंथ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वैल्यू में सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और डायरेक्शन ऑलरेडी हमने समझ ही ली थी, तो डायरेक्शन इनकी क्या है अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू इनके सेम है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स न्यूटन
न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं जो कि एक्शन रिएक्शन लॉ है। दैट यहाँ पे सिंपल सा ये है कि फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड वायर पे जितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है उतना ही मैग्नेटिक फोर्स सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फर्स्ट वायर पे लग रहा है। तो दोनों फोर्सेज का वैल्यू सेम है और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। सो फाइनली दोस्तों हम इसको क्या लिखेंगे, फाइनली हम इनको लिखेंगे वेक्टर डी एफ 21 इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर डी एफ 12। ये हम इसको कंक्लूजन में समरी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है सेकेंड वायर पे फर्स्ट की वजह से उसका वैल्यू उतना ही है जितना मैग्नेटिक फोर्स फर्स्ट वायर पे सेकेंड की वजह से लग रहा है, और माइनस में नहीं, यानी कि सिंपल है वेक्टर डी एफ 21 प्लस वेक्टर डी एफ 12 इज इक्वल्स टू जीरो। यानी इन दोनों मैग्नेटिक फोर्सेस का जो वेक्टर एडिशन है वो फाइनली क्या है, जीरो है। तो ये अपना मैग्नेटिक फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। यहाँ पे हमने दोनों वायर्स की लेंथ को इनफाइनाइट कंसीडर किया है, सेपरेशन डी हमने लिया है और इनकी यूनिट लेंथ पे हमने मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया है। फाइनल रिजल्ट आया कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो दोनों वायर पे सेम ही रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन पे आपको फिर से फोकस करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ स्टडी किया है म्यू नोड आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, एक्चुअली इस फॉर्मूले से 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन बनी हुई है। 1 एम्पियर जो करंट है, सो 1 एम्पियर को हमने डिफाइन किया है इस फॉर्मूले के बेसिस पे, जिसको हम 1 एम्पियर का इंटरनेशनल डेफिनेशन भी कहते हैं। तो चलो वो भी हम समझ लेते हैं कि 1 एम्पियर करंट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे इन फॉर्मूलों के बेसिस पे। तो देखिए ये जो फॉर्मूले हमारे हैं जो हमने मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया है फॉर यूनिट लेंथ, तो इसके बेसिस पे हम 1 एम्पियर को समझते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, जो I1 I2 है, I1 एंड I2, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि इन दोनों वायर में जो करंट है वो 1 एम्पियर है। I1 I2 दोनों 1 एम्पियर है और इन वायर्स का जो सेपरेशन है दैट इज 1 मीटर। अगर ऐसा होता है तो वायर की यूनिट लेंथ पे जो मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट होगा वो होगा म्यू नोड अपॉन 2 पाई एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। जैसा कि आप सबको पता है म्यू नोड अपॉन 4 पाई जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू 10⁻⁷ है, अपने पास यह म्यू नोड अपॉन 2 पाई है। तो ये जो अपना रिजल्ट है इसी रिजल्ट के बेसिस पे हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं दैट 1 एम्पियर कैसा करंट है, कौन सा करंट है। तो आप कहेंगे कि कोई भी 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर होते हैं, वो दोनों पैरेलल करंट कैरिंग वायर एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पे सेपरेट किए हुए हैं। 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ सेपरेटेड बाई यूनिट डिस्टेंस इन वैक्यूम, 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं जो कि एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे सेपरेट किए हुए हैं वैक्यूम के अंदर, ठीक है, और उनके यूनिट लेंथ पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर आपको मिलता है तो इसका मीनिंग ये है कि उन दोनों वायर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इस तरह से 1 एम्पियर को डिफाइन किया गया है दैट इफ 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज सेपरेटेड बाई यूनिट डिस्टेंस इन वैक्यूम एंड एक्सपीरियंस्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट लेंथ इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, इट मीन्स करंट फ्लो इन ईच वायर इज 1 एम्पियर। इस तरह से 1 एम्पियर को डिफाइन किया गया है। तो ये एक डेफिनेशन है जो कि अच्छी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी आप समझें। तो ये अपना फाइनली मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें अपन ने मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल को भी समझा, कुछ न्यूमेरिकल्स को भी समझा। अभी देखो IL भी साइन थीटा है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आपको काफ़ी कुछ मिलेंगे, उनको भी आप समझ सकते हैं, कुछ अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलते हैं। अगर अपन JEE मेंस के लेवल की बात करें, उसके लेवल की बात करें, तो उस पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मेंस के लेवल का एक क्वेश्चन है वो डिस्कशन हम कर लेते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि एक करंट कैरिंग वायर है और ये करंट कैरिंग वायर हॉरिजॉन्टल किसी टेबल पे रखा हुआ है,
ये जो करंट कैरिंग वायर है, दिस करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल हॉरिजॉन्टली। ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर किसी टेबल पे हॉरिजॉन्टली रखा गया है। दिस इज करंट कैरिंग वायर विच इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल हॉरिजॉन्टली। अब कहता है कि ये जो वायर है, इस वायर से कुछ पर्टिकुलर हाइट पे मींस अबव फ्रॉम दिस वायर इन एयर, हवा के अंदर कोई एक दूसरा वायर है जो इससे ऊपर है, तो वो जो दूसरा वायर है जो हवा में है, हम उस वायर को सस्पेंडेड रखना चाहते हैं। मतलब हमें चाहते हैं कि वो वायर हवा में ही रहे, हम उसमें करंट फ्लो करेंगे तो उसको हम हवा में ही रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या सीन होगा, क्या अरेंजमेंट होगा, इस पे कैसे न्यूमेरिकल बन जाता है। तो देखिए क्या है कि ये जो अबोव वायर है, जो भाई एक वायर तो अपना टेबल पे रखा हुआ है, और जो दूसरा वायर है वो उस टेबल से कुछ हाइट पे है, हम ये चाहते हैं कि वो करंट कैरिंग वायर नीचे ना गिरे, है ना, उस पर कुछ मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से सेट हो कि वो वायर डाउन साइड ना आए। तो इसके लिए पहली चीज तो आपको एक ध्यान में देनी पड़ेगी कि ये जो वायर है, ये वायर अपने वेट की वजह से ही तो डाउनफॉल होगा इसका, भाई अपना वेट है, इसका वेट की वजह से तो नीचे गिर सकता है। तो इस ऊपर वाले वायर पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगना चाहिए, वो मैग्नेटिक फोर्स इसके वेट के जस्ट अपोजिट होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फोर्स वेट के जस्ट अपोजिट हो जाता है तो फिर ये हवा में रुक सकता है, ये रुक सकता है हवा के अंदर, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होना चाहिए भाई, तो सिंपल सा है कि ये जो वायर है, इस वायर की यूनिट लेंथ का जितना वेट है, ना, इसकी यूनिट लेंथ पे उतना मैग्नेटिक फोर्स तो लगना ही चाहिए जितना कि इसकी यूनिट लेंथ का क्या है, वेट। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कम से कम वेट के तो इक्वल होना ही चाहिए मिनिमम, तभी ये वायर फ्रीली सस्पेंड रह सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ऐसे अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें एक चीज़ तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर जो वायर है, जो वायर अपना हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, अगर उस वायर में करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जो ऊपर वाला वायर है उसमें करंट डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तभी ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अगर इनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो फिर तो अट्रैक्ट करेंगे, फिर तो जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे वायर रखा हुआ है वो ऊपर वाले वायर को अट्रैक्ट और करेगा, वो जल्दी गिराएगा उसको। तो एक तो ये इसमें इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर एक वायर अपना टेबल पे रखा हुआ है तो उस वायर में जिधर भी करंट फ्लो हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए अबोव वायर में, तभी वो डाउन साइड वाला जो वायर है वो उसको रिपेल कर पाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन वेट के अपोजिट सेट होना जरूरी है यहाँ पे, उसी कंडीशन में फ्रीली सस्पेंडेड होगा। और सिंपल है कि वो जो अबोव वायर है जो हवा में है उसकी यूनिट लेंथ का जितना वेट है उतना तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगना ही चाहिए जिसकी वजह से वो फ्रीली सस्पेंडेड हो पाए। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखना, आपको बुक्स वगैरह में कहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। और वैसे भी जो चैप्टर अपना है, तो जैसे ही ये चैप्टर अपना फिनिश होता है लास्ट में हम एक ऐसा वीडियो भी रखेंगे जिसमें बहुत सारे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक साथ, काफ़ी सारे क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे होंगे कम्पिटेटिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन से देखेंगे। और बाकी आपका भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप जरूर पुटअप करें, कमेंट्स में बताएं कैसा क्या है क्या नहीं है और आपकी क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस माइनस जो भी है आप कमेंट जरूर लिखें।